Good morning, students. Today I am with you. We have some numericals problem based on unit cell and number of atoms. I want to discuss this before your weekly test so that you can easily handle the problems. So let's start without any delay. This is the question. A compound formed elements A and B crystallizes in the cubic arrangement in which A atoms basically are at the corners of a cube and B atoms are at the face centers. What is the formula of the compound? हम इस तरह के questions को करने के लिए बिल्कुल सीधे सीधे approach लगाते हैं. जैसे कि हमें पता है question में हमें दिया है जो element है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ए है एक एलिमेंट बी है. मतलब हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं, एक ए एटम्स हैं और एक बी के एटम्स हैं. ए के जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है क्यूब के और बी के जो एटम्स हैं वो फेस सेंटर है. वी नो दैट एक क्यूब में ए के जो एटम्स हैं जो कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, एक कॉर्नर एट अलग आठ दूसरे क्यूब्स के साथ शेयरिंग करता है. सो इन अ क्यूब ए एटम्स आर एट एट कॉर्नर्स ईच शेयर्ड बाय एट क्यूब्स. यू नो दैट देयरफॉर द नंबर ऑफ ए एटम्स मतलब एक यूनिट सेल में एक के जो एटम्स हैं वो कितने होंगे. एट मल्टीप्लाई वन अपॉन एट दैट इज इक्वल्स टू वन एटम. एंड बी एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ ईच फेस. कॉर्नर्स सेंटर्स पे हैं फेस के. फेसेस कितने होते हैं क्यूब में? छह फेसेस होते हैं और एक फेस जो है वो बिल्कुल अपने सामने वाले क्यूब के साथ ही अपने एटम को शेयर करता है. तो यहाँ पर जो शेयरिंग है बी एटम की वो सिर्फ दो क्यूब्स के द्वारा है. तो इसीलिए बी एटम्स आर एट द सेंटर्स ऑफ द ईच फेस. सो ईच इज शेयर्ड बाय टू क्यूब्स. हैंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इज सिक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू थ्री एटम्स. अब हमारे पास हमें ये पता लग गया एक यूनिट सेल में ए का एक एटम की शेयरिंग है और बी के थ्री एटम्स की शेयरिंग है. तो हम इसका जब फॉर्मूला निकालते हैं तो रेशो क्या आया ए इज टू बी का दैट इज वन अपॉन थ्री. सो द फॉर्मूला इज ए बी थ्री. हमने ए बी थ्री फॉर्मूला क्यों लिखा है? हमने ए बी थ्री फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि एक यूनिट सेल को बनाने में ए का एक एटम इस्तेमाल होगा और बी के तीन एटम होंगे. तो हम एक यूनिट सेल के लिए बेसिकली फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड पेपर में आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. आई वॉन्ट टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल विद यू. सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बी सी सी यूनिट सेल. कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन इसका करेंगे. हमें पता है वन मोल ऑफ सोडियम, एक मोल सोडियम कितने का होगा? 23 ग्राम्स का होगा क्योंकि सोडियम का जो एक बेसिकली अगर मैं एटम की बात करूं तो वो 23 ग्राम्स का होता है. एंड वी नो दैट वन मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं दैट इज 6.022 × 10⁻². यहाँ पर हम एटम्स ही लेंगे. हमसे पूछा है 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स प्रेजेंट है. सिंपल 23 ग्राम में इतने प्रेजेंट हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे? दिस वैल्यू अपॉन 23. सो 9.2 ग्राम में कितने होंगे? दिस अपॉन 23 मल्टीप्लाई 9.2. तो मैंने यहाँ पर यही किया है एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई विद 9.2 डिवाइडेड बाय 23. तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स और एटम्स के आगे हम कोई यूनिट नहीं लगाते तो इसलिए 2.4088 × 10⁻². एटम्स हैं. लेकिन एक पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी यूनिट सेल. बीसीसी यूनिट सेल बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल. इट मींस एक एटम कॉर्नर पर 1/8 × 8 करके आएगा और एक एटम बिल्कुल एज इट इज सेंटर में आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे बीसीसी यूनिट सेल में 2. सो एक यूनिट सेल को बनाने में कितने एटम्स यूज होंगे? ये हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं 9.2 ग्राम्स में. लेकिन एक यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने होंगे?
दो का इस्तेमाल, तो हम इसको टू से डिवाइड करेंगे एंड दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल जो कि 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में होगी। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप इनके जैसे और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मैं फिर अपनी एक वीडियो लेकर आऊंगी डेंसिटी न्यूमेरिकल्स के लिए, और इसके बाद एक वुड्स का टेट्राहेड्रल वुड्स एंड ऑक्टोहेड्रल वुड्स को दोबारा लेकर आऊंगी। सो प्लीज डू प्रैक्टिस अलॉट, जिससे कि ये जो पार्ट है आपका वीक ना रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।